हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम भुरभुरे या रबरी कोल पोर्सलिन क्ले को ठीक करना सीखेंगे। क्ले का काम शुरू करने के पहले अपने हाथों में बॉडी लोशन या ऑयल लगा लें, इससे क्ले हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा। अभी मैंने ओवर कुक्ड क्ले लिया है। जब मैंने इसका गोला बनाया तो इसकी सरफेस पे बहुत सारी लाइन क्रीजेस और क्रैक्स हैं। जब मैं इसे खींच रही थी, टियर ड्रॉप शेप भी फॉर्म नहीं कर पा रहा है। मैंने इस वीडियो में इस तरह के क्ले को ठीक करने के दो तरीके बताए हैं, सो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। पहले तरीके में हम अंडरकुक्ड क्ले का इस्तेमाल करेंगे। अंडरकुक्ड क्ले थोड़ा चिपचिपा यानी कि स्टिकी होता है। ओवरकुक्ड क्ले को ठीक करने के लिए हम वन पार्ट ओवरकुक्ड क्ले में 1/3 पार्ट अंडरकुक्ड क्ले को अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये प्रोसेस थोड़ा मैसी होता है। क्ले को मिलाते वक्त जो क्ले हमारे हाथों में चिपक जाए उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे पुराने बिना धार वाले चाकू का यूज किया है। आप चाहे तो चम्मच या और ऐसी किसी चीज से क्ले को निकाल सकते हैं। इसके बाद हाथों पर फिर से लोशन लगा के क्ले को मिलाना शुरू करें। अगर आपको जानना हो कि घर पर DIY कोल पोर्सलिन क्ले कैसे बनाते हैं तो इसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमें दोनों क्ले को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाना है। इसके बाद हम अपने नीडिंग सरफेस पे बॉडी लोशन या ऑयल अप्लाई करेंगे और क्ले को गूथना स्टार्ट करेंगे। हम क्ले को जितना गूथेंगे उतना ही हमारा क्ले सॉफ्ट, स्मूथ और फ्लेक्सिबल होगा। आखिर में हमारा क्ले ठीक हुआ कि नहीं ये जानने के लिए हम क्ले का बॉल बनाएंगे या फिर उसे चपटा करेंगे। दोनों ही तरीकों में क्ले की सरफेस पे ना तो कोई लाइन होनी चाहिए, ना क्रीजेस, ना क्रैक्स। इसके किनारे स्मूथ होने चाहिए और जब हम इसे खींचे तो इसे टीयर ड्रॉप शेप फॉर्म करना चाहिए और इस शेप में बने रहना चाहिए। कहने का मतलब है टीयर ड्रॉप शेप को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरे तरीके में हम एक प्लास्टिक के कंटेनर में 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च और 1.5 चम्मच व्हाइट ग्लू लेंगे। मैं फेविकोल एमर ग्लू का यूज कर रही हूँ। ध्यान रहे कि हमें सारा फेविकोल एक ही बार में नहीं मिलाना है, धीरे धीरे करके मिलाना है। हमें इसका थोड़ा चिपचिपा घोल तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी टूथपेस्ट की तरह होनी चाहिए। अब हम अपने हाथों में लोशन या ऑयल लगाकर 1/3 ओवरकुक्ड क्ले में 1/3 पार्ट क्ले सॉल्यूशन को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर आपको क्ले से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का आंसर मेरे पास जितना नॉलेज है उसके हिसाब से देने का पूरा प्रयास करूंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम क्ले को जितना गूथेंगे उतने ही हमारा क्ले सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होगा, इसलिए क्ले को गूथने में कोई कंजूसी ना करें। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले बताया है उसी तरीके से क्ले की कंसिस्टेंसी की जांच करें।
क्ले को स्टोर करने के लिए हम क्ले का गोला या लॉग बनाएंगे और उसके ऊपर बॉडी लोशन, पेट्रोलियम जेली या बॉडी क्रीम अप्लाई करेंगे और एक प्लास्टिक रैप या क्लिंग रैप के ऊपर भी हम बॉडी लोशन अप्लाई करेंगे और उसी प्लास्टिक रैप में क्ले को लपेट कर एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देंगे। हमें क्ले को रूम टेम्परेचर पर सूखी जगह पर रखना है, सूरज की सीधी रोशनी से दूर। हम इन्हीं दो तरीकों का यूज पुराने क्ले को ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।